नमस्कार, आपके पसंदीदा चैनल लाइफस्टाइल हेल्थ टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी की सब्जी की रेसिपी। ये बहुत ही हेल्दी होती है। देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ की फूल गोभी ले ली है और अब इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ये देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डिप कर दिया है गोभी को, और इसे मैं 10 मिनट तक छोड़ूंगी नमक डाल के, ताकि इसमें जो कीड़े हैं वो मर जाएं। बाकी मैंने सूखे मसाले लिए, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, और ये मैंने गरम मसाला, तेज पत्ता, जीरा, ये जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने, ये कद्दूकस किया हुआ मीडियम साइज़ का टमाटर, ये जो प्याज लिया है कद्दूकस किया मीडियम साइज़ का, ये हरी मिर्च, ये गोभी जो मैंने पानी में रखी थी वो साइड निकाल ली है मैंने एक बर्तन में, और ये मैंने जो लिया है वो है हरा धनिया, ये तेज पत्ता जो है मैंने पैन रखा है उसमें ऑयल डाला है और ऐड कर लिया है तेज पत्ता। अब मैं इसे अच्छे से आधे मिनट तक पका लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर लूँगी। ज़ीरा और तेज पत्ते को मैं आधे मिनट तक फिर से अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि ये जीरा जो है वो कच्चा ना रहे हमारा। उसके बाद मैं इसमें मीडियम साइज़ का जो प्याज लिया है वो ऐड कर लूँगी और उसे भी अच्छे से ब्राउन होने तक पका लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर लिया है। अब इसे मैं आधे मिनट तक पकाऊँगी। बहुत ही हेल्दी जो है वो सब्ज़ी है और ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है, और जो गोभी है फूल गोभी वो हड्डियाँ भी मजबूत करती है। ये देखिए, मैंने इसमें जो कद्दूकस किया हुआ टमाटर रखा था मीडियम साइज़ का, वो भी ऐड कर लिया है। अब इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और अब इसमें एक दो मिनट तक धीमी आंच पे अच्छे से पकाऊँगी। इसे आपको धीमी आंच पे ही रखना है, आपको हाई फ्लेम पर नहीं करना है गैस को, वरना मसाले जो हैं सारे हमारे जल जाएंगे और उनका टेस्ट बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा। जो मैंने सूखे मसाले लिए हैं इन्हें भी मैं सभी को ऐड कर लूँगी, जितने भी लिए थे मैंने सारे बता चुकी हूँ। मैंने नमक, हल्दी पाउडर और गार्लिक जिंजर का पेस्ट जो भी लिया था मैंने, ये इसमें हरी मिर्च ऐड कर ली है। ये देखिए, इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो मैंने इसमें तेज़पत्ता ऐड किया था उसे मैंने साइड पर निकाल लिया है, क्योंकि इससे जो है सब्जी जैसे हम ऐड करेंगे मसाला तैयार होने के बाद तो वो कड़वाहट देती है सब्जी में तेज पत्ता जो है, तो मैंने इसे साइड पे निकाल लिया है। अब मैं इसमें जो है वो कटी हुई जो रखी थी सब्जी मैंने ऐड कर ली है। हमारा जो है मसाला बिल्कुल तैयार था अच्छे से। अब मैं इसे पका लूँगी 5-6 मिनट तक ढक के। देखिए, मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो गोभी के साथ ऐड हो जाएँ, अच्छे से मिक्स हो जाएँ। यानी ये देखिए, सब्जी जो है मेरी मैंने ढक के रख लिया था इसे। अब देखिए, तैयार है मेरी सब्जी। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब इसमें मैं जो मैंने धनिया काट के रखा था उसे बिल्कुल इसमें ऐड कर लूँगी मैं, और अच्छे से मिला दूँगी सब्जी को धनिया के साथ। थोड़ी देर में इसे आधे मिनट तक पकने दूँगी। अब मैंने सर्विंग बाउल में अलग से सब्जी को निकाल लिया है। अब फिर से जैसे आपको किसी को टिफ़िन देना है या कुछ भी, तो उसमें मैं ऊपर से जो धनिया से इसे सजा दूँगी अच्छे से। ये देखिए, सब्जी बन के तैयार है। आप इसे चपाती और पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं सब्जी का। तो चलिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।